म्यूजियम में जा रहे हैं। म्यूजियम कहाँ पे है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरास महल सोपोर में, और यहाँ पर अगर देखा जाए जो मरहूम अकीका जी की जानिब से इसकी संग बुनियाद डाली गई, और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातें जो है उनको देखने को मिली जब उन्होंने ये चीज़ें जो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये चीज़ें यहाँ पर उन्होंने जमा की, वो हर घर घर गई, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें हर गाँव में गई और वहाँ पर ये चीज़ें कलेक्ट की और ये चीज़ें जो है उन्होंने जमा की, और काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है इनको इसमें लगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पुरानी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पुराना टेलीविज़न है, या जैसे कि हम देखें ये पुराना रेडियो है, इस तरह से जो पुराना रेडियो अगर से देखा जाए ये यहाँ पर, इसको हम कश्मीरी में तुमक नारी बोलते हैं, और उसके साथ साथ रबाब की बात करें या दीगर जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर उन्होंने जमा की, और एक विजन लेके वो चली थी कि कश्मीर के अंदर जो है इस तरह का म्यूज़ियम यहाँ पर इनेकाद किया जाए, ताकि यहाँ के बच्चों को, क्योंकि अगर हम देखें जो यहाँ पे हमारे स्कूली बच्चे जो पढ़ते हैं उनको इस हवाले से कोई भी नॉलेज नहीं थी कि पुराने ज़माने में हम किस तरह से जो है चीज़ें यूज़ करते थे, किसी को भी इस हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन उनका जो विजन था उस हवाले से उन्होंने जो है ये इनिशिएटिव लिया, और यहाँ पर इस म्यूज़ियम को यहाँ पर बनाने में उस तरह किस तरह से जो है उन्होंने मेहनत की, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये पूरी चीज़ें यहाँ पर, जो भी हमारे पुराने ज़माने में जो कल्चरल चीज़ें यहाँ पर की यूज़ की जाती थी, जैसे कि अगर हम देखें ये यहाँ पर पुराने बर्तन अगर देखा जाए, ये सारे यूज़ किस तरह से जो है पुराने ज़माने के लोग करते थे, किस तरह से जो है यहाँ पर इन चीज़ों को इस्तेमाल में लाते थे। हालांकि अभी भी जो है हमारे घरों के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी मौजूद है जहाँ पर हम देख सकते हैं ये चीज़ें मौजूद है, और ये आप हुक्का देख सकते हैं, और किस तरह से जो है हर एक चीज़ मरहूम अतीका जी ने यहाँ पर जो है जमा की घर घर जाकर, और उसके साथ साथ जो हर गांव में वो गई और ये चीज़ें जो है कलेक्ट की, और उसके बाद जो है इस मीरास महल की संग बुनियाद डाली और मीरास महल को जो है एक नाम दिया, और जो कि आज एक अच्छा खासा नाम जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है मीरास महल। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर हर एक स्कूल के बच्चे जो है आते हैं और पूरी जो है पूरी इंफॉर्मेशन वो यहाँ से कलेक्ट करते हैं, उनके साथ जो टीचर्स यहाँ होते हैं और या साथ साथ जो यहाँ पर गाइड करने के लिए रखे गए हैं वो जो है पूरी तरह से इंफॉर्मेशन यहाँ पर इन बच्चों को देते हैं कि पुरानी चीज़ें किस तरह से जो है हम यूज़ करते थे। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, इसको मश्क कहते थे और इस पर जो है लिखा जा सकता था उस ज़माने में, जो है यहाँ पर इस पर पढ़ाई हासिल करते थे हम, और उसके साथ साथ जितनी भी ये पुरानी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें जो है किस तरह से यूज़ की जाती थी ये यहाँ पर बच्चों को जो है दिखाया जा रहा है। और आज की अगर हम बात करें तो आज एपेक्स पब्लिक स्कूल के बच्चे यहाँ पर आए हैं और कुछ टीचर्स उनके साथ हैं, और पूरी इंफॉर्मेशन जो है उनको दी जा रही है इस हवाले से कि किस तरह से जो है इस म्यूज़ियम के हवाले से जितनी भी चीज़ें यहाँ पर रखी गई है, और उस हवाले से हम यहाँ के बच्चों से भी बात करें जो यहाँ पर बच्चे आए हैं, क्या इंफॉर्मेशन उनको दी गई है इस हवाले से, और यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेट लेडी इन द वर्ल्ड जिन्होंने यहाँ पर ये सेटअप स्टार्ट किया एंड ने कश्मीर के कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व किया। सो वी जस्ट विश कि ऐसे और भी बहुत ज़्यादा लोग हों जो यहाँ पे अपने कल्चर अपने ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके रखें, बिकॉज दीज आर द थिंग्स जो एक बच्चे को बताते हैं कि हम कहाँ से हैं, हमारा ट्रेडिशन क्या है, हमारा कल्चर क्या है। सो आई जस्ट विश कि एवरीवन शुड प्रिजर्व द कल्चर ऑफ आवर कंट्री और आवर नेशन। यहाँ पर आके किस तरह से जो है आप इनको अवेयर कर रहे हैं जो पुरानी चीज़ें यहाँ पर कल्चरल पुरानी चीज़ें जो रखी गई है? स्टूडेंट्स आर वेरी फैसिनेटेड टू सी द थिंग्स एंड इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लग रहा है आके, एंड दे आर वेरी मच आई गेस कि इनको बहुत ज़्यादा पता चल रहा है कि हमारा ट्रेडिशन क्या था, हमारा कल्चर क्या था। तो मेरे साथ यहाँ पे एपेक्स पब्लिक स्कूल की जो है एक स्टूडेंट है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पर कैसा फील हो रहा है और क्या इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी जा रही है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और आप किस क्लास में पढ़ती हैं? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नज़ाकत है और हम एपेक्स पब्लिक स्कूल सुपौर से आए हैं। तो अगर मैं बात करूँ इस म्यूज़ियम की तो यहाँ पर आके आपको ऐसा फील होता है कि जैसे आप जन्नत में जा रहे हो, क्योंकि हमने सुना था अपने बुज़ुर्गों से कि ऐसी चीज़ें होती है, ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर आकर जब हम लोग इनको मतलब देखते हैं, हम लोग अपनी आँखों से देखते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। आपको लगता है कि पुराने ज़माने की फील आपको आ रही है, जैसे कि पुराने ज़माने में लोग किस तरह से इन चीज़ों को यूज़ करते थे, क्योंकि हमने तो ये चीज़ें नहीं देखी है, आपने भी कभी नहीं देखी है, तो आपको फील हो रहा है कि जैसे कि हम
सौ साल 150 साल पुराने पीछे चले गए हैं जी, बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि एक तो इन्होंने ये म्यूजियम मतलब इस तरह से डेकोरेट किया है कि जैसे पुराने जमाने में हम लोग जा रहे हैं, और यहाँ पे इन्होंने चीजें ऐसे रखी है, ऐसे डेकोरेट किए कि उनको देख के ही वो पुरानी वाली वाइब्स आ रही है। तो इन्फॉर्मेशन के हवाले से क्या आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कौन सी चीज, इसका नाम क्या है और कैसे इस्तेमाल की जाती थी पुराने जमाने में? जी बिल्कुल, यहाँ पर मैम्स भी है और वो हमारी बहुत हेल्प कर रही है कि हम लोग इन चीज़ों को जान सके कि कौन सी चीज़ कहाँ है और ये कैसे थी और इन इनसे क्या काम लिए जाते थे। इस म्यूजियम को स्टार्ट करने के लिए तो क्या बताना चाहेंगे आप? आई थिंक तो मैम्स हम लोगों को ये सब कुछ बोलती है। यहाँ तो आपको अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं इवन बोल भी नहीं सकती कि यहाँ पर आकर कैसा फील हो रहा है। इवन मैं तो सबको बोलती हूँ कि वो यहाँ आए मीरास महल म्यूजियम, यहाँ पे आप लोगों को मतलब वो फील आती है कि पहले ज़माने में चीज़ें कैसे हुआ करती थी और आज वो कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है और कैसे चेंज हुई है, यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा अच्छी फील आती है। आपका नाम जानना चाहेंगे जी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फाइका है और मैं एपिक्स पब्लिक स्कूल सोपोर से हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पे मीरास महल आए हुए हैं। हमने सुना था अपने बुजुर्गों से कि हमने उनसे क्वेश्चन किया था कि आप लोग जाते थे कैसे पढ़ते थे कैसे लिखते थे, तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि हम मश्क पे लिखते थे। बिल्कुल, ये मश्क जी, मश्क इन पे हम लिखते थे और फिर घर जाके इनको रब करते थे किसी चीज़ से और अगले दिन फिर आके इसी पे लिखते थे, तो ऐसे वो पढ़ते थे। तो आज हमने देख भी लिया, जमाने में कॉपीज वगैरह तो नहीं थी, तब इसी पे लिखा जाता था। तो तब हमें बहुत मतलब उस टाइम हम नहीं इमेजिन कर सकते थे वो क्या, और आज हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो कैसा फील हो रहा है आपको? जी हाँ, मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और मैं सबको कहूंगी कि आप प्लीज यहाँ पे विजिट करिए और देखिए कि कितनी अच्छी तरीके से ये चीजें रखी गई है, कितने अच्छी तरीके से यहाँ पे हर एक चीज में ये बताया गया उनका नाम क्या है, कश्मीरी में नाम क्या है, वो किस चीज के लिए यूज होता है और इंग्लिश नाम भी है, तो आप हर एक चीज के बारे में अच्छे से जान सकते हैं कि वो किस पर्पज के लिए यूज हो सकता है। मरहूम अतीका जी के हवाले से अगर देखा जाए तो जो उनका विजन था उसमें वो कामयाब हुई और एक इतना बड़ा जो तैयार किया है, क्या बताना चाहेंगे आप? जी वो कामयाब हुई है, उन्होंने अपने जो ट्रेडिशन है, कल्चर है कश्मीर का, वो उन्होंने इस जनरेशन के लिए रखा है कि वो एक्सप्लोर कर सके इस जनरेशन के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए भी वो एक्सप्लोर कर सके ये थिंग्स, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो मीरास महल की अगर हम बात करें, मीरास महल में अभी हम मौजूद है और एपेक्स पब्लिक स्कूल के बच्चे यहाँ पर मौजूद है और मेरे साथ भी कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो यहाँ पर आए हैं और जिन्होंने ये चीज़ें देखी जो इन्होंने आज तक कभी नहीं देखी थी, क्योंकि जो पुराने ज़माने के हमारे जो बुज़ुर्ग लोग वो इस्तेमाल करते थे वो चीज़ें जो यहाँ पर मरहूम अतीका जी की जानिब से यहाँ पर रखी गई है, तो इन बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद सलीम। कैसा लगा आपको मीरास महल आके? सर बहुत अच्छा हुआ और हमें हिस्ट्री के बारे में हमने बहुत मालूम पता की। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ें आपने देखी वो आपने आज तक कभी देखी है अपने घर में, या आपने जो दादा है नाना नानी है उन्होंने आपको कभी इन चीज़ों के बारे में जिक्र किया था? यस सर, दो तीन चीज़ें मैंने देखी थी सर, जैसे सर वो जैसे वो कंघी थी वो छोटी सी सर, वो भी मैंने देखी थी, और कांगड़ी पुरानी वाली सर वो भी मुझे घर में मौजूद थी, और सर बहुत सारी चीज़ें मुझे घर में मौजूद है। क्या मैसेज रहेगी आपकी दूसरे जो बाकी स्कूल बच्चे हैं जो यहाँ पर आना चाहते हैं, क्या मैसेज रहेगी आपकी? सर मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे आए, यहाँ पे बहुत मज़ा है। मेरा नाम हुज़ैफ़ा और किस क्लास में पढ़ते हो? फिफ्थ में। तो कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ पर? यहाँ के बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि हमें अपने दादा दादी के जमाने की चीज़ों के बारे में पता लगा। यहाँ पर बहुत सारी एंटीक्स थी, जैसे कि पॉट्स थे, माउस ट्रैप थे, और भी बहुत सारी जैसे स्विंग मशीन भी। पुराने जमाने में जब जंग हुआ करती थी तब की चीजें आपने देखी, जैसे तलवारें, हथकड़ियां, बहुत कुछ थे, ताले भी थे वहाँ पर बहुत सारे। तो कैसा फील हो रहा है आपको? सर बहुत अच्छा है, मतलब हिस्ट्री के बारे में पता चला। तो आप बार बार यहाँ आना चाहेंगे? यस सर। दूसरे बच्चों के लिए क्या मैसेज है? तो दूसरे बच्चों के लिए ये मैसेज है कि आप यहाँ पर जरूर आइए और यहाँ की हर एक चीज को बारीकी से देखिए। तो एपेक्स पब्लिक स्कूल के बच्चों से भी हमने बात की और उनका भी यही कहना है कि जो मरहूम अतीका जी की जानिब से यहाँ पर जो इस म्यूजियम में चीजें रखी गई है, काफी अच्छा लगा हमें यहाँ पर आके। और उसके साथ साथ अगर यहाँ पर जो चीजें रखी गई है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिस तरह से ये डोली है इसमें जो है जब शादी वगैरह होती थी तो किस तरह से जो दुल्हन को यहाँ पर इन डोलियों में लाया जाता था, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी इस मीरास महल के म्यूजियम में। और जिस तरह से आप यहाँ पे देखिए इस पे नाम भी लिखा गया है, जापान है डोली जिसको हम कश्मीरी में बोलते थे, और उसके साथ साथ मटके जो पुराने हैं, जिस तरह से कांगड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, और ये हर एक चीज़ यहाँ पर रखी गई है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये पुराने
जो घास से बनी हुई चीज़ें थी पर चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी और अपने हम अपने डेली इस्तेमाल में जो है ये चीज़ें लाते थे और टोकरी वगैरह या दीगर ये आपको यहाँ पर जो पुराने ज़माने के पुलहर इसको बोलते थे जो चप्पल वगैरह जो शूज़ हम इस्तेमाल करते थे जो घास के बने हुए थे ये यहाँ पर हर एक चीज़ यहाँ पर रखी गई है। और बच्चों को हमने देखा कि बच्चे किस तरह से जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं और जो इन्फॉर्मेशन इनको दी जा रही है बच्चे काफ़ी एक्साइटेड है और हर एक चीज़ की नॉलेज उनको यहाँ पर दी जाती है। जिस तरह से जो है आज एपेक्स पब्लिक स्कूल के बच्चे यहाँ पर आए थे और हर एक चीज़ उन्होंने देखी और हर एक चीज़ वो राइट डाउन कर रहे थे अपनी कॉपीज़ पे लिख रहे थे और क्या चीज़ किस चीज़ का क्या नाम है और उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और हमारी भी कोशिश है कि हम जितने भी हमारे बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं हम उनके और तमाम जितने भी स्कूल्स हैं खासकर अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें या दीगर अगर हम साउथ कश्मीर सेंट्रल कश्मीर की बात करें तो श्रीनगर के भी बहुत सारे स्कूल्स यहाँ पर आते हैं साउथ कश्मीर के भी बहुत सारे स्कूल्स यहाँ पर आते हैं और बच्चों को जो है इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं और उनको भी जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पर आप एक बार आइए और देखिए कि किस तरह से जो है यहाँ पर चीज़ें बाकायदा जो है पुराने ज़माने की हेरिटेज जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी गई है मरहूम अतीका जी की जानिब से और एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम जो है यहाँ पर सोपोर के अंदर बनाया गया है और काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। मैं आपको विजुअल्स में भी ये लास्ट में दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है इसको यहाँ ब्यूटिफाई किया गया है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती यहाँ पर रखी गई है कि हर एक चीज़ यहाँ पर जो है मौजूद रखी गई है। तो फिलहाल अगर हम देखें तो बच्चों से हमने भी बात की और बच्चों का कहना है कि हम अक्सर यहाँ पर आना चाहेंगे और हमारी ये मैसेज हर एक बच्चे तक है कि यहाँ पर आइए और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कि यहाँ पर आपको दी जाएगी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, आप बने रहिए जेके 24/7 के साथ।